वेलकम। आज हम प्रॉब्लम सेट 44 सीखेंगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सेट 44, फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट, और चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ टाइम। लेट अस बिगिन। द टाइम बिलो इज गिवन बाय 12 आवर क्लॉक, राइट द सेम बाय 24 आवर क्लॉक। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो 12 आवर क्लॉक के बेस पे दिया हुआ है और हमें इसे कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक के बेस पर। तो नंबर वन थिंग हमें मालूम होना चाहिए कि क्लॉक जो है, क्लॉक के दो फेसेस है। एक 24 आवर क्लॉक होता है मतलब 12 घंटे के बेस पे, और दूसरा जो क्लॉक का फेस होता है वो 24 आवर क्लॉक होता है। 24 आवर क्लॉक का जो फेस होता है वो रेगुलरली देखने होते हैं बच्चों ने, तो वो कैसे 24 आवर क्लॉक कैसे होता है और 12 आवर क्लॉक कैसे होता है, तो आई विल शो यू कैसे उसे ड्रॉ करना है। तो पहले हम 24 आवर क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। जो रेगुलरली हम क्लॉक देखते हैं, हमारे जो घर में क्लॉक होता है, तो ऐसे मैंने ग्राफ में यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ किया है। तो क्लॉक में देख सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 12 आवर क्लॉक होता है। तो इसे हम 12 आवर क्लॉक बोलते हैं, 12 आवर क्लॉक ऐसे। तो ये 12 आवर क्लॉक है। अब एक और क्लॉक जो होता है वो 24 आवर क्लॉक होता है। तो 24 आवर क्लॉक हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक कैसे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। अब ये भी क्लॉक ही है बट ये 24 आवर क्लॉक है, तो ये कैसे दिखाई देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर 24 आवर्स हो गए पूरे, और ये हाफ जब होगा तो ये 12 आवर्स पे हाफ होगा। तो कैसे हम इसको देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसके बाद आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ऐसे ये 24 आवर क्लॉक मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो क्योंकि ये क्लॉक का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए ये क्लॉक रेगुलर में नहीं होते हैं, ये क्लॉक रेगुलर में होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्लॉक हमें डिजिटल नंबर्स में दिखेंगे। जैसे रेलवे स्टेशन पर हम देखते हैं जैसे 17:30 हुए हैं ऐसे, तो ये हम डिजिटल में मोस्टली देखते हैं रेलवे स्टेशंस पर या एयरपोर्ट्स पर ऐसे क्लॉक होते हैं, तो इसे हम 24 आवर क्लॉक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे टाइमिंग यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13 आ रहा है, तो जो रेगुलर क्लॉक होते हैं ये वाले, इसमें 13 के बाद में जैसे 12 के बाद में 13 नहीं होता है, डायरेक्ट फिर से 1 आता है। तो यहाँ पे जब 12 के बाद में 13 आ रहा है तो रेगुलर क्लॉक में 1 आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो हमारा रेगुलर क्लॉक है वो उसमें यहाँ पे ऐसे ही दिखाई देगा। रेगुलर क्लॉक में हम जैसे दो बार में इसे काउंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एएम और पीएम ऐसे। अब एएम और पीएम मतलब एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन, ऐसे हमें मेरिडियन ऐसे हमें इसे हम इसे काउंट करते हैं। तो एएम मतलब जैसे रात से, रात के 1 बजे से
रात के 1 बजे से सुबह के 12 बजे तक ये टाइम होता है एएम। फिर उसके बाद में पीएम स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिन के 1 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे एएम और पीएम का टाइमिंग दिया होता है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि एएम और पीएम, मतलब यहाँ पे वही क्लॉक को डबल टाइम घुमाया है, जैसे यहाँ पे 1 से 24 लिखा है, तो इसमें एएम और पीएम लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देख सकते हैं 17:30 हो रहा है, तो ये 24 आवर क्लॉक में है, 17:30 हो रहा है, इसका मतलब 5 बज रहे हैं। अब यहाँ पे जब 17 हो रहा होता है, यहाँ पे 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो क्लॉक का ये साइड है, ये पूरा पीएम है, पीएम पीएम मतलब दोपहर के 5 बज रहे हैं। अब यहाँ पे जब अगर 5 बज रहे हो गए, जैसे यहाँ पे 5:30 दिया होगा ऐसे, तो यहाँ पर जब 5 बज रहे तो रेगुलर क्लॉक में भी सेम टाइम हो रहा होगा, बट यहाँ पे 5:30 है, 24 आवर क्लॉक है, यहाँ पे ये एएम, जैसे जो रेगुलर क्लॉक में अगर हम देखेंगे तो ये एएम में काउंट होगा, तो ये साइड पे एएम आएगा, एएम। तो ये 24 आवर क्लॉक में एएम लिखने का जरूरत नहीं है, बट हम रेगुलर क्लॉक में लिखेंगे तो 5:30 AM आएगा ऐसे। तो ये हमें इम्पोर्टेंट समझना है। तो ये जो क्लॉक है, ये 24 आवर क्लॉक है, और यहाँ से 1 से लेकर के 12, और फिर 12 से फिर 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, ये रेगुलर क्लॉक मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसे। अब इसमें हमें ट्रांसफ़र कैसे करना है, बहुत इजी है, एएम पीएम के बेस पर के हमें देखना है, और उसको फिर 24 आवर क्लॉक में ट्रांसफ़र करना है। आई होप यू समझ में आ गया होगा कि 24 आवर क्लॉक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 24 आवर्स के नंबर्स लिखे होते हैं, या जो डिजिटल फॉर्म में रहता है मोस्टली। और ये 12 आवर्स क्लॉक है, जैसे यहाँ से जा कर के 12, फिर 12 के बाद अगर इसको 24 आवर में हमें देखना है, तो यहाँ से 12 तक, जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हम आ गए, तो ये अंदर वाला जो लाइन एक हम रफ बना रहे हैं, इसको हम AM बोलेंगे। अब उसके बाद में फिर 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, ये बाहर के साइड में मैंने जो क्लॉक बनाया हुआ है, ये 24 आवर क्लॉक का फॉर्मेट है। यहाँ पे मैंने बड़ा क्लॉक बना के बताया हुआ है, यहाँ पे छोटे क्लॉक में ही आगे का कंटिन्यू कर दिया है। तो अब यहाँ से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, और उसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, अगर एएम होगा तो हम अंदर के डायल को देखेंगे, अंदर का डायल, बट अगर पीएम होगा, पीएम, तो हम बाहर के डायल को देखेंगे, बाहर वाले डायल को देखेंगे, क्योंकि 13 जब बजते हैं तब पीएम होता है, मतलब 12 नून के बाद सुबह जब 12 बज के जाते हैं, तो फिर 1 बजता है, तो वो टाइम पे 13 बज रहा होता है 24 आवर क्लॉक में, और रेगुलर क्लॉक में 12 आवर क्लॉक में 1 बज रहा होता है। फिर उसके बाद दोपहर के 1 बज रहे होते हैं, मतलब 1 PM होता है। तो वैसे ही जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 PM, मतलब दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो ये 12 आवर क्लॉक में, 12 आवर क्लॉक। बट अगर इसे ही मैं 24 आवर क्लॉक में लिखना है मुझे, तो ये 1 बज रहे, तो यहाँ पे कितने बज रहे हो गए, 13 13, ये 24 आवर क्लॉक में, 24 आवर क्लॉक। तो यहाँ पे बहुत इजी है, यहाँ पे एएम पीएम लिखने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 बज रहा है वो दोपहर का 1 बज रहा है, और यहाँ पे उसी को हम 13 बोलते हैं, 13 आवर्स, मतलब वहाँ पे 13 बज रहा है, 13 आवर्स ऐसे बोला जाएगा। अब हम टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट में हमें कन्वर्ट करने बोला है, तो यहाँ पे हमें टाइमिंग दिया हुआ है, उसे हमें कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में, 12 आवर के बेस पे टाइमिंग दिया हुआ है, और उसे हमें कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक। तो यहाँ पे दिया है 30 मिनट पास्ट 10 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह का टाइम है,
तो एएम है मतलब मॉर्निंग दिया हुआ है तो एएम होता है, और दोपहर का टाइम होता है तो पीएम होता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग दिया हुआ है मतलब एएम मतलब एंटी मेरिडियन में है, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? पहले तो ये 10:30 है तो हो जाएगा 10:30 ऐसे। तो 10:30 मॉर्निंग मतलब एएम होता है तो एएम एंटी मेरिडियन, तो ये हो गया मॉर्निंग का टाइम 10:30। यहाँ पे जो लिखा हुआ था उसको मैंने डिजिटल फॉर्म में लिखा है, तो ये 30 मिनट पास 10, 30 मिनट पास 10 मतलब 30 मिनट हो चुके हैं पास 10, 10:30 मतलब 10:30 AM ये डिजिटल फॉर्म में लिखा है, ये वर्ड्स में है। तो यहाँ पे अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? 24 आवर क्लॉक में। तो यहाँ पे 10:30 मुझे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बनाया हुआ है, इसके हम देख सकते हैं। अगर एएम है तो हम अंदर वाला देखेंगे और पीएम है तो बाहर वाला देखेंगे। तो यहाँ पे एएम है, एएम मतलब 10:30 AM, तो अंदर वाला देखेंगे हम 10 और 30। तो यहाँ पे 30 मिनट यहाँ पे आएगा तो 10:30, तो हमें एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही यहाँ पे लिखना है 10:30, तो 10:30। बट हमें यहाँ पे एएम नहीं लिखना है क्योंकि ये 12 आवर है, 12 आवर क्लॉक में कभी भी एएम पीएम नहीं, सॉरी ये 24 आवर क्लॉक है, 24 आवर क्लॉक में कभी भी एएम पीएम नहीं आता है, 12 आवर क्लॉक में एएम पीएम आता है। ये जो मॉर्निंग का टाइम था, मॉर्निंग का टाइम है तो 10:30 हो रहे हैं, तो मॉर्निंग का टाइम जब भी रहेगा तो अंदर देखना है डायल के, और जब दोपहर का टाइम रहेगा तो बाहर देखना है डायल के। तो यहाँ पे एएम, एएम मतलब मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया, और बाहर का जब हम देखेंगे तब ये दोपहर का टाइम होगा मतलब नून टाइम मतलब आफ्टरनून, आफ्टरनून ऐसे। तो यहाँ पे मैंने समझाने के लिए सब ड्रॉ किया है, समझ इससे इजी पड़ेगा इसीलिए हम इसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने पहले तो इसको वर्ड्स को डिजिटल में कन्वर्ट किया, तो ये था मॉर्निंग टाइम, तो मॉर्निंग टाइम जो 24 आवर क्लॉक में वो यहाँ पे लिख दिया, बट सिर्फ एएम नहीं लिखना है क्योंकि ये 12 आवर क्लॉक में एएम लिखते हैं और 24 आवर क्लॉक में सिर्फ 10:30 लिखना है। नेक्स्ट 10 मिनट पास 8 मॉर्निंग, फिर से मॉर्निंग का टाइम दिया हुआ है तो 8:10, तो 8 लिखना है और 10 मॉर्निंग है मतलब एएम, तो 8:10 को हमें कन्वर्ट करना है 24 आवर क्लॉक में, तो ये हो जाएगा 8:10 ऐसे। बस हमें एएम पीएम नहीं लिखना है, तो 8:10 मैंने मॉर्निंग के बेस पे लिख दिया। नेक्स्ट है 20 मिनट पास 1 इन द आफ्टरनून, अब आफ्टरनून का टाइम दिया है तो 1 आवर 20 मिनट्स, तो ये हो गया 20 मिनट पास, आफ्टरनून दिया है तो पीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे पीएम, तो यहाँ पे 24 आवर क्लॉक में कितना बज रहा है, जैसे पीएम दिया हुआ है तो मैंने बोला है आफ्टरनून है तो बाहर देखना है, तो 1 मतलब 13, तो यहाँ पे 13:20 हो रहा है तो यहाँ पे लिखना है 13:20 ऐसे। तो बहुत इजी है, कैसे किया, 1 को जब पीएम दोपहर का टाइम हो रहा है तो 12 घंटे बाद होगा, तो जब वो 13 आवर क्लॉक में आएगा तो 12 के बाद में 1 नहीं लिखते हम, 13 लिखते हैं 24 आवर क्लॉक में, 24 आवर क्लॉक मतलब 24 घंटे में हम जब डिस्प्ले करेंगे तो उसमें 13 लिखना है, तो कैसे हो जाएगा 13:20, 13:20 इधर एएम पीएम नहीं आएगा, तो 13:20 से पता चल रहा है कि दोपहर के 1:20 हो रहे हैं ऐसे। नेक्स्ट है 40 मिनट पास 5 इवनिंग, तो इवनिंग का टाइम है तो पहले हम इसको 12 आवर क्लॉक में डिजिटल फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 5 और 5 आवर्स 40 मिनट, तो 40 मिनट, और यहाँ पे इवनिंग बोला है मतलब पीएम, मॉर्निंग रहता है तो एएम, इवनिंग रहता है या आफ्टरनून रहता है तो पीएम, तो यहाँ पे पीएम आ गया, और मॉर्निंग और नाइट रहेगा तो एएम आता है। नेक्स्ट हो गया, अब यहाँ पे पीएम आया है तो आप देखना यहाँ पे 5 आवर्स 40 को कैसे 24 आवर क्लॉक में देखना है, तो 5:40 को देखना है, तो यहाँ पे आ जाओ 5 को देखा तो 5 के इधर क्या है 17, तो ये बाहर कब देखना है जब आफ्टरनून और इवनिंग का टाइम दिया रहेगा, तो 17:40 हमारा टाइम होगा, तो यहाँ पे लिखना है 17:40 ऐसे। इसमें एएम पीएम नहीं आता है, तो अगर 17 बज रहे हैं तो 12 घंटे वाले में 5 बज रहे होंगे और 24 घंटे वाले में 17 बज रहे होंगे ऐसे।
ये हमें समझ में आना चाहिए। 17:24 क्लॉक में बजेगा और 5:40 PM ये 12 क्लॉक में होगा। यहाँ पे हमने ये क्लॉक बना लिया है, इसकी हेल्प से तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक क्लॉक बना लो पहले तो रफ में, फिर उसके बाद में उसकी हेल्प से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे एक क्लॉक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसे ही एक क्लॉक ड्रॉ कर लेना है हमें रफ साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल 12, 6, 3, 9 ऐसे। तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 तो ऐसे एक क्लॉक ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद में ये जो अंदर का डायल है, जैसे ये 12 है तो 12 के बाद में यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 12 के पास 24 ऐसे। आर के बेस पे ये ऐसे क्लॉक बनाकर हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। अगर बाहर का देखना है, बाहर का जो नंबर हमें 24 क्लॉक के बेस पे हम देख सकते हैं, ये हम जब 12 क्लॉक को 24 क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हमें इजी पड़ेगा और हेल्प मिलेगा। तो बाहर का डायल जब देखेंगे तो हमें आफ्टरनून और इवनिंग देखना है। आफ्टरनून इवनिंग मतलब पीएम होता है, पीएम। जब हम अंडर का डायल देखेंगे तो हमें मॉर्निंग और नाइट देखना है, मॉर्निंग और नाइट। और यहाँ पे हम जो नाइट के लिए देखेंगे उसको एएम बोलते हैं ऐसे। तो पीएम मतलब बाहर का डायल, और ये 24 क्लॉक मैंने ड्रॉ किया है, इसको 24 क्लॉक बोलते हैं। तो ये 24 क्लॉक का एक जस्ट मैंने एक डायग्राम बनाया है इजी होने के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैच द कॉलम दिया हुआ है, उधर बोला है 12 क्लॉक को 24 क्लॉक से मैच करो। तो यहाँ पे 9:10 AM दिया है, AM दिया है। तो ये हमने 9:10 जो दिया है ये 12 क्लॉक में दिया है, जो हमारे घड़ी में रेगुलर में बच रहा है वो बताया है 9:10, उसको हमें 24 क्लॉक में दिखाना है। तो 9:10, तो यहाँ पे 9:10 9 बज रहा है मतलब 21। तो हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे AM दिया हुआ है, तो अंदर का डायल देखना है। तो 9 बज गया है तो 21 नहीं देखना है, ये कब देखना है, जब हमें PM दिया होगा तब। तो अभी हमें ये 9 है, यहाँ पे 9 बज रहा है तो यहाँ भी 9 का ही देखना है, 9। तो ये जो 9:10 है ये किससे मैच होगा, 9:10 से ऐसे। तो ये फर्स्ट वाले से मैच होगा, ये इसका आंसर है ऐसे। तो 9:10 ही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे AM दिया हुआ है, बस यहाँ पे AM नहीं आएगा क्योंकि 24 क्लॉक में AM PM नहीं आता है। तो ये हो गया 9:10 ऐसे, डायरेक्ट बोलना है 9:10। तो 9:10 मतलब 9:10 AM इन रेगुलर क्लॉक, हमारे पास जो घर में घड़ी होता है उसमें 9:10 हो रहा है, AM बोलना पड़ेगा। अगर हम AM नहीं बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या टाइम हो रहा है। तो मॉर्निंग है तो AM है, तो इसीलिए 9:10। नेक्स्ट आ गया 2:10 PM, तो यहाँ PM दिया हुआ है, तो बाहर वाला डायल हम देखेंगे 24 क्लॉक में। तो यहाँ पे 2:10 को देखना है, तो 2 मतलब 14, तो 14:10 यहाँ पे 14:10, तो ये इसका आंसर इससे मैच हो रहा है 14:10। नेक्स्ट उसके बाद में दिया है 5:25 PM दिया हुआ है, तो 5 को देखना है, 5 के सामने 17 है, PM मतलब बाहर का मैंने देखने बोला है, देखो PM बाहर का देखने बोला है, तो 17, तो 17:25, तो 17:25 यहाँ आ रहा है ऑप्शन में, तो ये इससे मैच होगा, तो ये इसका आंसर है ऐसे। कैसे मैं इजीली आंसर फाइंड कर ले रहा हूँ, ये डायल बना लिया है इसलिए मैं इजीली आंसर फाइंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 11:10 PM, तो फिर से PM दिया है, PM दिया हुआ है बाहर का देखना है, तो 11 पे आ जाओ, 11 पे 23 है मतलब 23:10 हो रहा है, तो 23:10 यहाँ पे है, ये इससे मैच हो रहा है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट उसके बाद में बचे 7:25 AM, तो 7:25 AM बोला है, AM बोला है मतलब अंदर का ही देखो, तो 7 पे आ जाओ, 7 तो 7:25 मतलब 7 ही रहेगा, इसको हमें बाहर का नंबर नहीं लेना है क्योंकि
बाहर का हम कब लेंगे, जब पीएम रहेगा तब। तो ये 7 हो रहा है और ये सुबह के 7 बज रहे हैं, तो 24 आवर क्लॉक में भी सुबह के लिए 7:25 ही आता है। तो ये आ गया 7:25 ऐसे। तो कैसे मैंने सॉल्व कर लिया, बहुत इजी इस डायल के हेल्प से। तो ऐसे हम भी सॉल्व कर सकते हैं रेगुलर बेस पे, वैसे हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, विदाउट ये डायल के हेल्प के भी कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग है तो एज इट इज सेम लिखना है, जैसे एएम है तो हमेशा सेम टू सेम लिखना है, बस एएम लिखना नहीं है। तो यहाँ पे 2 AM वाला था तो एग्जैक्टली सेम टू सेम एएम का 7:25 ही दिया हुआ है, एएम नहीं लिखना है। बट जब पीएम होगा, पीएम तब हमें ये डायल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीएम के लिए हमें 2 तो 2 पे देखना होगा, 14 तो 14:10 हो गया, तो 14:10 से इसको मैच करना है। तो यहाँ पे जब हमें पीएम दिया होगा तो ये डायल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बाहर के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, वो हमें आंसर में लिखने होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड के कैसे हमें 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक, ये 24 आवर क्लॉक है, कैसे हमें कन्वर्ट करना है। आई होप यू गॉट दिस। तो ये हमने प्रैक्टिस सेट 24 कंप्लीट कर लिया है। अगर पीछे के प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट हमने नहीं देखे हैं 43, 42, तो पहले वो देख लो हमारे प्लेलिस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, टेक केयर।